गैंगस्टर एक्ट की विवेचना प्रचलन में है और गैंगस्टर एक्ट की विवेचना में इरफान सोलंकी का बयान लिया जाना बाकी है, क्योंकि वो महाराजगंज जेल में है तो एक टीम महाराजगंज जेल गई है बयान लेने के लिए। जो अपराध से अर्जित संपत्ति है इस गैंग के सभी सदस्यों के, शौकत पहलवान, इजराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ, रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी, उसकी जांच, उसकी पड़ताल और उसके बारे में सूचनाएं इकट्ठा करके नगर निगम, केडीए और अन्य जो संस्थाएं हैं, रजिस्ट्री विभाग, सबसे उसका मिलान किया जा रहा है। बैंक और अदर इंस्टीट्यूशन से भी सारी चीज़ें ली जा रही हैं। संपत्तियों का जब्तीकरण 14(1) के तहत हम करेंगे और विधि जो हमें अधिकार देता है उसके तहत गैंगस्टर एक्ट की सारी कार्यवाही हम करेंगे। गुरुवार को सपा विधायक इरफान सोलंकी जब फर्जी बांग्लादेशी नागरिक को फर्जी आधार कार्ड करेक्टमेंट करने के मामले में जब कोर्ट में पेश हुए तो एक उन्होंने शायरी पढ़ी थी कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अब खुदा को क्या मंजूर है तो पता नहीं है, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। अब आलम यह है कि इरफान सोलंकी और उनके गैंग के खिलाफ धारा 14(1) के तहत उनकी संपत्तियों पर प्रभावी कार्रवाई करने जा रही है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जो इस पूरे मामले को हैंडल कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं। पूछते हैं सर, अब सपा विधायक इरफान सोलंकी वाले मामले में पुलिस क्या प्रभावी कार्रवाई करने जा रही है? गैंगस्टर एक्ट की विवेचना प्रचलन में है और गैंगस्टर एक्ट की विवेचना में इरफान सोलंकी का बयान लिया जाना बाकी है, क्योंकि वो महाराजगंज जेल में है तो एक टीम महाराजगंज जेल गई है बयान लेने के लिए। इसके अलावा जो अपराध से अर्जित संपत्ति है इस गैंग के सभी सदस्यों के, शौकत पहलवान, इजराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ, रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी, उसकी जांच, उसकी पड़ताल और उसके बारे में सूचनाएं इकट्ठा करके नगर निगम, केडीए और अन्य जो संस्थाएं हैं, रजिस्ट्री विभाग, सबसे उसका मिलान किया जा रहा है। बैंक और अदर इंस्टीट्यूशन से भी सारी चीज़ें ली जा रही हैं। तमाम ऐसी संपत्तियां और ऐसी चीज़ें भी हैं जो दूसरों के नाम पे हैं, उसके बारे में भी सूचनाएँ ली गई हैं। तो 14(1) की कार्यवाही अगले सप्ताह के मध्य में हम शुरू करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और गैंगस्टर एक्ट की पूरी विवेचना और पूरी कार्यवाही हम फरवरी के महीने में पूरा करके न्यायालय को सौंप देंगे। चौदह में कि पुलिस क्या प्रभावी कार्रवाई करेगी, संपत्ति को क्या करती है, जब्ती कर सकती है, कुर्की करेगी या ध्वस्तीकरण करेगी, क्या करेगी? संपत्तियों का जब्तीकरण 14(1) के तहत हम करेंगे और विधि जो हमें अधिकार देता है उसके तहत गैंगस्टर एक्ट की सारी कार्यवाही हम करेंगे। सर लगभग कुछ आंकलन है सर, प्रभावी अनुमानित आंकलन है कि कितनी संपत्ति होगी इस गैंग की, इरफान सोलंकी की, जिस पर पुलिस जो है कार्रवाई करेगी? संपत्तियों का अंतिम रूप से आकलन किया जाना अभी प्रोसेस में है, लेकिन अभी तक जो डेटा हमारे पास है लगभग 150 करोड़ से 200 करोड़ के बीच की संपत्ति इस गैंग की अभी हमारे सामने है। इसमें संख्या बढ़ सकती है और पूरी संभावना है कि कुछ और भी चीज़ें इसमें जुड़ेंगी जिससे इस संख्या में इजाफा होगा। सर, इस गैंग में जितने लोग पकड़े गए थे फर्जी आधार कार्ड में, उसमें कई लोगों की जमानतें भी हो गई, जो है नूरी शौकत वगैरह जमानतें होगी, तो इससे पर भी पुलिस की कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, 198/2022 मुकदमा जो ग्वाल टोली का है, जिसमें कूटरचित दस्तावेज को लेकर के दूसरे के नाम पे हवाई यात्रा करने का विषय है, उसमें जो सह अभियुक्त के रूप में शौकत और अशरफ, इसके अलावा जो है अख्तर मंसूरी, अनवर मंसूरी, ड्राइवर जो था, उसकी जमानत उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय ने दी है। वो उनका एक छोटा सा, उसमें एक लिमिटेड उनका रोल था और उस रोल के लिए उस मुकदमे में वो चार्जशीट किए गए हैं। हालांकि जहां तक 198/2022 मुकदमे का सवाल है, तो अभी मुख्य अभियुक्त इरफान सोलंकी की जमानत इसमें नहीं हुई है और मुख्य अभियुक्त इरफान सोलंकी के जमानत के लिए जो सुनवाई पिछले डेट को हुई थी उसमें न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने काउंटर एफिडेविट मांगा है और 4 सप्ताह का समय दिया था। तो हम अपना काउंटर एफिडेविट जमा करेंगे और हमारा माननीय न्यायालय के समक्ष आग्रह हमने रख दिया है कि इसकी फास्ट ट्रैक सुनवाई की जाए, जिससे 6 महीने के अंदर इस मुकदमे का निस्तारण हो जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने एक मुकदमे में यह आदेश दे दिया है, हमें विश्वास है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे आवेदन को ग्रहण करके इस कार्य को तेजी से करवाएगा। तो वो तो बांग्लादेशी वाले मामले में है। तो
ये जॉइंट सीपी साहब हैं कि अभी जांच चल रही है, अभी किसकी गिरफ्तारी और होनी है किसकी नहीं होनी ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अब इरफान सोलंकी की संपत्ति जो उनके नाम पे दर्ज है या उनके बेनामी नाम पे, जैसे पुलिस कह रही कई लोगों के नाम पे उन्होंने बेनामी नाम पे कर रखी है, इस पे 14A के तहत कार्रवाई होगी जिसमें संपत्ति की जब्तीकरण होगी। और इसके लिए इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना होगा क्योंकि उन्होंने एक सप्ताह का समय दिया है कि एक सप्ताह के बाद पुलिस अब धारा 14A के तहत इरफान सोलंकी और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनकी संपत्ति जो भी होगी वो पुलिस की कस्टडी में आएगी। अब देखना है पुलिस किन किन संपत्तियों पर अपनी कार्रवाई कानूनी एक्शन शुरू करती है। रंजय सिंह, कानपुर तक।